अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यूके की एक और अमेजिंग स्कॉलरशिप की डिटेल शेयर करने लगी। स्कॉलरशिप को भी विदाउट आइट्स अप्लाई किया जा सकता है। यह स्कॉलरशिप कॉमनवेल्थ डिस्टेंस लर्निंग मास्टर स्कॉलरशिप है। अब मैं इसके बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एप्लीकेशन प्रोसेस आप लोगों से शेयर करती हूँ कि इस स्कॉलरशिप को अचीव करने से हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे, कौन कौन लोग एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। इस वेबसाइट पर स्कॉलरशिप बेनिफिट में क्लियरली मेंशन है कि विदाउट आइट्स, विदाउट एप्लीकेशन फी अप्लाई की जा सकती है। आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी वेबसाइट जिस पर मेंशन है नो एप्लीकेशन फी, नो आइट्स, स्कॉलरशिप बेनिफिट वाले पोर्शन में मेंशन है, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये फेक न्यूज है। मैं विद प्रूफ आप लोगों को शो करवा रही हूँ ताकि आप लोग इस स्कॉलरशिप को इजीली अचीव कर सकें किसी भी टेंशन के बगैर, क्योंकि ना तो इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फी की जरूरत पड़ेगी, ना आईएलटीएस टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। ये स्कॉलरशिप आप पार्ट टाइम भी अचीव कर सकते हैं, जैसे कि जो लोग जॉब करते हैं वो पार्ट टाइम ऑनलाइन क्लासेस लेकर मास्टर स्टडीज कर सकते हैं डिस्टेंस। और इस स्कॉलरशिप को अचीव करने की ये खूबी भी है कि इसकी बिल्कुल भी फी नहीं देनी पड़ेगी। स्कॉलरशिप आगे मैं आपसे डिटेल शेयर करती हूँ, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। कॉमनवेल्थ डिस्टेंस लर्निंग मास्टर स्कॉलरशिप की ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे क्लियरली एप्लीकेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिमेंशन है। पॉइंट वन में रिमेंशन है कि वही सिटीजन इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं जिन कंट्रीज को ब्रिटिश ने अलाउ किया है। तो हम एलिजिबल कंट्रीज की लिस्ट चेक करते हैं, वो मैं आपको अभी शो करवाती हूँ। ये सब कंट्रीज की लिस्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। ये देखें, इसमें पाकिस्तान का नेम भी मेंशन है, बांग्लादेश, मतलब काफी कंट्रीज इसमें इंक्लूड हैं इस लिस्ट में। इंडिया भी है और भी काफी सारे कंट्रीज जो हैं वो इस लिस्ट में इंक्लूड हैं जो ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। आप लोग भी इधर एलिजिबल एप्लीकेंट्स के ऑप्शन को क्लिक करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रीड कर सकते हैं, ताकि आप लोग फिर ही अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल नहीं है तो फिर अप्लाई ना करें, क्योंकि फिर अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। और ये जिस लाइन को मैंने अभी ये टिक किया है आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये वो ही लोग इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करें जिनके पास इतने फाइनेंस नहीं है कि वो इस स्टडी को अफोर्ड कर सके। वही लोग इस स्कॉलरशिप को अचीव कर सकते हैं जिनके पास फाइनेंस नहीं है। आप लोगों ने ये डिटेल्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाजमी रीड करना है। इस वेबसाइट पर ये साइड पे जो कॉलम बना हुआ है ब्लू बॉक्सेस का, इसमें सेकंड ऑप्शन है हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में डिटेल्स बताया गया है कि 28 मार्च 2024 से पहले पहले एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, और जो एप्लीकेंट्स हैं वो डिस्टेंस लर्निंग स्कॉलरशिप के लिए एक से ज्यादा कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जस्ट मास्टर्स स्कॉलरशिप के लिए। अंडर ग्रेजुएट और PhD स्टडी वाले इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। आप लोग भी ये वेबसाइट ओपन करके हाउ टू अप्लाई की डिटेल पढ़ सकते हैं, ताकि कोई डाउट ना रहे। अगर कोई इंफॉर्मेशन मुझसे मिस हो गई हो तो वो आप लोग इधर डीपली रीड कर सकते हैं। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म पे जाते हैं। तो उसने एप्लीकेशन फॉर्म पे जाने के लिए कहा है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। एप्लीकेंट टू द CSE मस्ट बी मेड यूजिंग द CSE ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए सबसे पहले इस ऑप्शन को क्लिक करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम को। इस पेज पर आने के बाद न्यू यूजर है, वो रजिस्ट्रेशन करेंगे इस पेज पर। न्यू यूजर की ऑप्शन को क्लिक करना है, ये एंड पे ऑप्शन आपको नजर आएगी। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद ये तीन बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन देनी है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड चूज करना है, फिर कंफर्म पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए फर्स्ट करेक्टर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, फिर लोअर, फिर उसके बाद एक या दो नंबर लिख लें, फिर स्पेशल करेक्टर को टाइप करते हैं। इसी तरह सेम कन्फर्म पासवर्ड
वर्ड में करना, फिर सबमिट के ऑप्शन को क्लिक कर देना। अब आपने क्लिक करना है कि आप एलिजिबल कंट्रीज में इंक्लूड हैं या नहीं है। अगर एलिजिबल कंट्रीज में इंक्लूड है तो यस की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट की ऑप्शन को क्लिक करना है और इधर लिस्ट में क्लिक करना है कि आप किस कंट्री से हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान की ऑप्शन को क्लिक करना। अगर कोई इंडिया से है, बांग्लादेश से है, तो वो अपना कंट्री सिलेक्ट कर सकता है। आप नेक्स्ट की ऑप्शन पे जाना है और इधर आपने यूनिवर्सिटी चूज करनी है। यूनिवर्सिटी चूज करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है। यूनिवर्सिटी जो है वो आप एक से ज्यादा चूज कर सकते हैं, कोर्सेज भी एक से ज्यादा चूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट की ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आप चूज कर ले मतलब जिस यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड है। आपने इन यूनिवर्सिटी की लिस्ट को देख ले मतलब सर्च कर लेना है आपने गूगल पे कि किस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ओपन यूनिवर्सिटी MSc एनवायरमेंटल मैनेजमेंट को क्लिक करती हूँ। फिर नेक्स्ट की ऑप्शन पर चले जाना है। फिर उसने पूछा कि आपका जो ये ईमेल एड्रेस है ये करेक्ट है, आपने कहना यस। अगर करेक्ट है तो यस, इधर भी यस की ऑप्शन पे। अब इधर अपनी सारी पर्सनल डिटेल आपने देनी है। फॉर एग्जाम्पल टाइटल, गिवन नेम, सर नेम, एड्रेस, सिटी, टाउन, स्टेट, प्रोविंस, कंट्री, मोबाइल नंबर, ये सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने नेक्स्ट की ऑप्शन पे जाना है। इसी तरह आप लोगों का फॉर्म फिल होगा, आपने पूरी तवज्जो के साथ इस फॉर्म को फिल करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। इसी तरह नेक्स्ट की ऑप्शन पे फिर सबमिट की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस तरह एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह।